Now I would like to call Siddharth Varadarajan. As you know, he was for one day associated with the Hindu as an editor. And he has also written a book, 2002 Gujarat, Making of a Starless. So I would like to ask Siddharth. दोस्तों अब पिछले दो हफ्ताओं में बहुत कुछ गुजरात और दिल्ली और जो तमाम जो फिरता हुआ सियासत है हिंदुस्तान का उसके बारे में काफ़ी डिटेल में आपसे बात कर चुके हैं। मैं कोशिश करूंगा बात को उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कुछ और एक तरह से हिंदुस्तान के सियासत के पहलू आपके सामने पेश करूँ। आज 23 मार्च जैसे हम सब जानते हैं कि तो शहीद दिवस हम लोग मानते हैं। आज इसी दिन 1931 में शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु, शहीद सुखदेव की शहादत हुई लाहौर में और उम्र में शायद आप सबसे छोटे ही थे वो लोग। यकीन नहीं आता इतने महान शख्सियत इतनी कम उम्र में इतना कुछ देश को देके चले गए, लेकिन उनकी उम्र शायद 21-22-23 के आसपास की थी। और आज क्योंकि एक तरह से फैशन बन गया है कि हर कोई जो है शहीद भगत सिंह का नाम लेता है, यहां तक कि उनके सबसे बड़े दुश्मन जो उनके विचारधारा उनके ख्यालों से एकदम आज यदि वो आज हमारे सामने मौजूद होते तो शायद उनको उनको नक्सली करार दिया जाता, उनको एंटी नेशनल बोल देते, उनको दहशतगर्द बोलते, उनको सूडो सेक्युलर बोलते। तो अचानक हमको लगा कि भाई क्यों ना भगत सिंह के अपने विचारों पे थोड़ा सा हम उस दिशा में देखें और अपने आप को याद दिलाएं कि भाई उनकी पॉलिटिक्स क्या थी, उनकी किस मकसद के लिए लड़ रहे थे और जिन मुद्दों को उन्होंने उठाया किस तरह से आज के हमारे इस मीटिंग के मुद्दों से उसको जोड़ सकते हैं। और तैयारी के वक्त हम कुछ उनके दस्तावेज पुराने देख रहे थे तो उनका एक नजर लगा, उनका एक जो आखिरी प्रवेशन फांसी चढ़ने से एक दो दिन पहले पंजाब गवर्नर को उन्होंने खत लिखा। अच्छा, एक बड़ी दिलचस्प बात है कि हाफ पैंट वाले वीर सावरकर का बहुत नाम लेते हैं और सावरकर अंदमान के कालापानी जेल में बंद थे, उनके नाम का भी एक दस्तावेज आपको मिल सकता है आर्काइव में। उस दस्तावेज में वो माफी मांगते हैं, वो बोलते हैं कि मुझे छोड़ दीजिए तो हम सियासत छोड़ देंगे। जिस अच्छा ये भी दिलचस्प बात है, वो बोल जब हम सियासत में थे, जब हमने आपकी मुखालफत की तो हमको लगा कि ये बहुत ही एक तरह से हिंदुस्तान के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक स्ट्रगल था, लेकिन अब फैनेटिकल हॉर्ड्स अंग्रेजी में का लफ्ज इस्तेमाल करता है जिससे वो इस्लामी जो है मुल्कों का जिक्र या इस्लामी लोगों का जिक्र ही कर रहे हैं, वो इस्लामी कोर्ट्स हिंदुस्तान को थ्रेटन कर रहे हैं, इसलिए हमारा आपका साथ देना बहुत जरूरी है, इसलिए कह के वो उन्होंने पिटीशन मांगा कि मुझे छोड़ दीजिए। अब शहीद भगत सिंह अपने खत में क्या बोलते हैं, बहुत सारी बातें कहते हैं लेकिन आखिर में बोलते हैं कि देखिए हम आपसे जंग लड़ रहे थे, हम सिपाही, तो एक सिपाही को आप फांसी पे न लटकाए, एक मिलिट्री डिटैचमेंट को यहां पे पेश करके हमको गोली छोड़ा दीजिए। एक जंग है और इस जंग का मकसद ये है कि हिंदुस्तान में अगर मुट्ठी भर पैरासाइट्स लफ्ज इस्तेमाल करते उसको आप सरमादार बोल सकते हैं, जमींदार बोल सकते हैं, जो आम इंसान आम आदमी बंदूक किसान औरतों के खून पसीने से जो नाजायज कमाते हैं, जब तक इनकी पकड़ हिंदुस्तान में रहेगी तो हमारी जो जद्दोजहद है वो बरकरार रहेगी, चाहे ये मुट्ठी भर लोग अंग्रेज हो या हिंदुस्तानी हो
जब तक ये लोग अपना लूट का राज खत्म नहीं करते तब तक हमारी जंग चलती रहेगी। अब सवाल उठता है कि ये जो उनका एक मकसद था आज के हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स से कैसे जोड़ा जा सकता है, खासतौर पर जो दिलचस्प चीज जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, सांप्रदायिकता, फिरका परस्ती, नरेंद्र मोदी आने वाले चुनाव में जो लोगों के सामने विकल्प है। और मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी और भाजपा ये जानना बड़ा जरूरी है, आप सबको समझना बहुत जरूरी है कि इतनी जल्दी से हमारे सामने कैसे पेश आए, इतने जोर से उभर के जो है एक क्राउडेड सियासी मैदान में ये लोग कैसे ऊपर आ गए, किनका हाथ है। आपको याद होगा 2004 के चुनाव में जब वाजपेयी सरकार हारी तो मीडिया के जो विशेषज्ञ हैं बहुत सारे उन्होंने वजह दी, क्योंकि सबने ये उम्मीद की कि भाई वाजपेयी ही दोबारा आएंगे, लेकिन जब वाजपेयी की हार हुई तो मीडिया के विशेषज्ञों का कहना था कि भाई इसमें जरूर नरेंद्र मोदी और 2002 के दंगे फसाद का एक बहुत बड़ा हिस्सा था, और वो सही बात सही भी थी, क्योंकि हिंदुस्तान के लोग चाहे आप उनको मिसलीड करें, चाहे आप उनको एक तरह से मिसइन्फॉर्म करें, प्रोपेगेंडा करें, लेकिन वो नहीं चाहते कि हिंदुस्तान के शहरों में, गांव गली कूचों में इस किस्म का खून बहे। और मेरा भी मानना है कि 2004 में जब बीजेपी चुनाव हारी तो 2002 के दंगे फसाद जिस तरह से हैंडल किए, जिस तरह से हुए, जिस तरह से हैंडल किए, इसका बहुत बड़ा रोल था। सवाल ये उठता है कि 2004 में जो चीज बीजेपी के हराने का या हारने का जो वजह थी, आज मीडिया उस चीज को कैसे भूल गई। और मुझे लगता है इस सवाल का राज हमको आर्थिक इकोनॉमिक स्फीयर में जाके मिलेगी, क्योंकि मेरा मानना है कि मोदी साहब वैसे तो बहुत चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, हिंदुत्व के बहुत बड़े प्रेमी हैं। जब उनसे पूछा गया इंटरव्यू में कि आर यू हिंदू नेशनलिस्ट, बोले हाँ आई एम हिंदू, आई एम नेशनलिस्ट, आई एम हिंदू नेशनलिस्ट, हालांकि इंटरव्यू बहुत कम देते हैं, सवाल जो है सुनना नहीं चाहते और सुनेंगे भी तो जवाब नहीं देते, और इसके कई मिसाल आपको यूट्यूब पे मिलेंगे जहां सवाल उनसे पूछा जा रहा है, कहीं ग्लास का पानी का ग्लास मांगते हैं, कहीं चुप बैठते हैं, कहीं रोड देखते हैं, उसपे कोई सवाल सुनने के लिए तैयार नहीं। तो मोदी साहब जो है हिंदुत्व के तो है ही, लेकिन हिंदुत्व से ज्यादा उनका लगाव जो है हिंदुस्तान के बड़े उद्योगों से, और ये भूलना हम ये हमको कभी भूलना नहीं चाहिए। आज अगर मोदी एक तरह से मोदी वेव की बात हो रही है, मोदी हावी लग रहे हैं पॉलिटिक्स में, इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपति तकरीबन सारे के सारे ये चाह रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री बने। अभी भी हम एक जगह से आ रहे हैं जहां पे एक सज्जन मिले मेडिकल क्षेत्र में, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और वो भी बोले कि भाई बात लोगों की बात होती कि एमजे पर कैसे चला गया बीजेपी में, और लोगों ने कहा कि भाई ये बड़ा, लोगों ने याद दिलाया कि 2002 में अकबर साहब ने क्या क्या लिखा मोदी के बारे में, ये यहां तक कि बोले कि उनको निशाने पाकिस्तान मिलना चाहिए, इतना जो है मदद अपने करतूतों से पाकिस्तान क्या किया। तो इस सज्जन ने कहा नहीं नहीं, मुझे लगता है कि ये जो सारी हिंदुस्तान की समस्या है इसको मोदी साहब हल कर पाए। तो मोटा मोटी अगर आप अंबानी ले लें, अंबानी दोनों भाई, अच्छा दोनों भाई जो है बहुत मतलब कि बहुत कभी इत्तेफाक नहीं करते एक दूसरे से, कोई तेल के पीछे भाग रहा है तो किसी को बिजली चाहिए, कीमतों पे खिलवाई हुई,
एक दूसरे को हमेशा डांटते रहते हैं, लेकिन जहां तक मोदी का सवाल है तो वहां पे वायरल गुजरात 2009 में तो अनिल अंबानी ने मोदी को कह दिया कि भाई आप आगे प्रधानमंत्री बनिए। सुनील मित्तल और अनिल अंबानी जानवी करना है, और इसी बात को ऐसे 2011-2013 में बड़े सरमायेदारों की संख्या बढ़ती गई, तालियां बढ़ती गई, और ये लोग चाहते क्या है, चाहते ये है कि एक जो बोलते डिसाइसिव सरकार बने। डिसाइसिव का मतलब क्या होता है कि जो फैसला ले, लेकिन कैसे फैसला, कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि हिंदुस्तान के अवाम की मुखालफत की वजह से जंगल पे कब्जा करना और मुश्किल हो गया है, जमीन घेरना और मुश्किल हो गया है, खदान जो है उसको खादना और उसका जो सारा माल निकालना है कम से कम कीमत पे और मुश्किल हो गया है, जहां एक जमाने में स्पेक्ट्रम जो है आप थोक पे तकरीबन फ्री में आप दे रहे हैं वो भी कारोबार रुक गया है, गैस और तेल जो ये लोग निकाल रहे हैं मनमानी कीमत मांग रहे हैं, इसमें जो है लोग सवाल पूछ रहे हैं, तो क्यों ना एक ऐसा प्रधानमंत्री को इंस्टॉल किया जाए जो ऐसे सवाल ना पूछे, और अगर कोई ऐसे सवाल पूछे तो इसके साथ ठीक तरह से सलूक भी करे। गुजरात में किसान जब अपनी आवाज उठाता है, जैसे मुद्रा बोर्ड अदानी का जो मुद्रा बोर्ड है, जब वहां पे लोग कह रहे हैं कि देखिए कोर्ट ने पर्यावरण के तमाम सवालों को इधर उधर करके यहाँ पे बहुत बड़ा प्लांट लगा गया है, इससे नुकसान हो रहा है, तो उनकी बात को ही सुनता है और अगर जोर से ज्यादा बोलते हैं तो उनको 10 दिन के लिए अंदर बंद। तो क्यों ना सारे हिंदुस्तान में ये गुजरात बॉर्डर, इसका मतलब बड़े कंपनियों को खुला छूट और बाकी सारे लोगों के मुंह पे ताला, यही है मोटा मोटा करके गुजरात का बॉर्डर। और ये सबसे बड़े जो ताकते हैं जो इकोनॉमिक फोर्सेस हैं, जिनका जिक्र शहीद भगत सिंह ने अपने वक्त में किया मुट्ठी भर, जो हिंदुस्तान के अवाम को रोकना चाहते हैं, जो हिंदुस्तान के रिसोर्सेस को रोकना चाहते हैं, इन्हीं का प्रोजेक्ट है कि आज नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। मीडिया को इस्तेमाल करके इस संदेश को जो है सारे देश में फैला दिया गया है, हालांकि लोग इस तरह से बिल्कुल भी नहीं है, अपने लेवल पे सवाल पूछ रहे हैं, लड़ाई भी हो रही है, ये तय नहीं है कि सबसे इनके जो खुद के जो ओपिनियन पोल्स हैं मोदी को उस तरह से मेजोरिटी नहीं देते तमाम प्रोपेगेंडा के बावजूद, तो लड़ाई उस तरह से अभी खत्म नहीं हुई जैसे सुधा ने कहा कि अप्रैल मई में क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन हमारे मन में कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि मोदी किस चीज की वकालत करेगा, मोदी के पीछे क्या है, मोदी का मकसद क्या है, और सवाल उठता है कि इसमें फिरका परस्ती की क्या जगह है। मेरा मानना है कि कम्युनल वायलेंस, कम्युनलिज्म, सेक्टेरियनिज्म, जो तमाम जो एक तरह से फिरकाप्रस्ती की जो सारी पॉलिटिक्स है 1947 से लेकर आज तक अलग अलग हमारी जो सरकारें इसको इस्तेमाल करती आ रही है, कांग्रेस ने खूब इस्तेमाल किया। आप लोगों को पंजाब याद नहीं होगा, 1984 के जो चुनाव थे देश के सड़कें खून से लथपथ थी, सच्चाई सबको पता था, हालांकि मीडिया ने उस तरह से रिपोर्टिंग नहीं की जैसे करना चाहिए था। 2002 में मीडिया ने अच्छा काम किया, गुजरात की सच जो है टेलीविजन के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई है, लोगों 1984 में उस तरह से नहीं कर पाया,
लेकिन फिर भी खून तो हर जगह बहा, लोगों को पता था क्या हुआ। इसके बावजूद जो है कांग्रेस ने उस कैंपेन में सिखों के खिलाफ खूब प्रचार किया। आप उस जमाने के इश्तेहार जाके देखिए जो अखबारों में कांग्रेस पार्टी के नाम से छपे, डीडी फ्यूजन एड एजेंसी का, किस तरह से एंटी सिख एड्स का इस्तेमाल किया और उसके माध्यम से कांग्रेस 425 सीटें है। मनोज मिट्टा ने बहुत अच्छा शोध किया है फिक्शन और फैक्ट फाइंडिंग। इसको पढ़ने के बाद कोई भी अगर ऑनेस्ट आदमी है, कोई भी ऑनेस्ट लीडर, कोई ऑनेस्ट महिला हो, वो ये नहीं कहेगी कि भाई मोदी को क्लीन चिट मिला। कोई शक नहीं होनी चाहिए कि जो काम राघवन और उसके साथियों ने किया एसआईटी के नाम से, वो एक तरह से अनप्रोफेशनल काम था और उसका खुलासा मनोज ने अपनी पुस्तक में किया है। लेकिन एज अ पॉलिटिकल जजमेंट, एज अ मॉरल जजमेंट, किताबों की जरूरत नहीं। आप एक मुख्यमंत्री हैं, आपके सूबे में 2000 लोग का कत्ल होता है, आज तक मोदी साहब का कोई बयान नहीं आया है कि गोधरा के खूब बोले। आज तक जो गुजरात के मुसलमानों के साथ हुआ उस तरह से उसने निंदा नहीं की। राजीव गांधी का भी कोई ऐसा बयान नहीं आया आज, बल्कि हिंदुस्तान टाइम्स में करण ठाकुर ने बड़ी दिलचस्प एक कॉलम लिखी है जिसमें राहुल गांधी का जिक्र किया है कि राहुल गांधी ने जब उसका इंटरव्यू था कि भाई उनसे पूछा गया कि 1984 के दंगों के बारे में आप क्या माफी मांगेंगे, वो बोले कि मैं क्यों मांगू। तो उसके बाद दूसरा इंटरव्यू दिया उन्होंने, बोले कि भाई प्रधानमंत्री माफी मांग चुके हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंट हैज एक्सप्रेस्ड हर रिग्रेट। और करण ठाकुर ने थोड़ा रिसर्च किया, पता चला कि भाई सोनिया गांधी ने कब इसके बारे में कुछ बयान दिया। तो ये ऐसे लोग हैं कि चलो कत्लेआम होता है, आपने रोका नहीं, रोकने के बाद ना रोकने के बाद कम से कम अपने बचावे के लिए आप कुछ कह तो दीजिए। ये आपको अफसोस है? ये कैसे लोग हैं कि अफसोस भी नहीं जताना चाहते? मनोज ने दूरदर्शन वाले इंटरव्यू का जिक्र किया, मुझे अचानक याद आया तो हमने खोला अपने ये बीजेपी वाले खूब हल्ला मचाते हैं कि मोदी ने कोई न्यूटन्स लॉ का जिक्र नहीं किया, एक्शन रिएक्शन सब मीडिया का इन्वेंशन था। और उसमें अब कोर्ट हम आपको सुनाते हैं, ठीक है, मान लिया नरेंद्र मोदी की बात कि भाई 8:30 बजे यूथ को पता चला, इसलिए दूरदर्शन वाले संदेश में वो सिर्फ गोधरा का जिक्र किया। जी टीवी का इंटरव्यू अगले दिन होता है, अगले दिन के अखबारों में सुर्खियां एहसान जाफरी और गुलबर्ग सलाखी का कत्लेआम था, दरोड़ा पाटिया था। और क्या बोलते हैं? ये बोले कि क्रिया प्रतिक्रिया की चेन चल रही है, अब चाहते हैं कि न क्रिया हो और न प्रतिक्रिया। तो फिर उनसे डायरेक्टली पूछा गया कि भाई वीएचपी के बंद के बाद सारे गुजरात में ये सब फसाद वगैरह हुआ, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? तो जवाब देते, गोधरा में जो परसों हुआ जहां पर 40 महिलाओं और बच्चों को जिंदा जला दिया, इसमें देश में और विदेश में सदमा पहुंचना स्वाभाविक था। गोधरा के इस इलाके के लोगों की क्रिमिनल टेंडेंसी जनी है, इन लोगों ने पहले महिला टीचर्स का खून किया और अब ये जघन्य अपराध किया है जिसकी प्रतिक्रिया हो रही है। अब बताइए, गोधरा से ज्यादा जो है अहमदाबाद शहर में लोग मारे गए हैं, एक लफ्ज आप नहीं बोल पाते। चलिए एक दिन ही बीता, आपको पता नहीं,
उसके बाद भी नहीं कुछ कर पाया, पुलिस ने केसेस रजिस्टर नहीं किए। कल एमजे अकबर साहब का बयान सुन के मुझे बड़ी हंसी आई, जब वो एक तरह से सफाया दे रहे थे कि मैं हम बीजेपी में क्यों आ गए, और बोले कि भाई 93 में दंगे हुए, 84 में दंगे हुए, आपको मालूम नहीं कि गुजरात में कितने लोग कन्विक्ट हुए हैं, कितने लोग जेल में फंसे हुए। जी जनाब, जेल में क्यों है लोग? क्या गुजरात पुलिस में जैसे ही लोग जेल में? 2002 में जितने भी केसेस गलती से रजिस्टर हो गए वो भी गए, उन तमाम केसेस में मोदी सरकार ने वीएचपी से जुड़े हुए वकीलों को जाके प्रोसिक्यूटर बनाया। अब वीएचपी प्रोसिक्यूटर क्या करेगा? वो तो डिफेंस से ज्यादा जो है वो केस को रफा दफा करने के चक्कर में लगा हुआ। 2002 के अंत तक तमाम जो बड़े बड़े केसेस थे जहां पे हजार से ज्यादा लोग हलाक हुए, सारे केसेस जो है वो डूब गए, कोई कन्विक्ट नहीं हुआ। जब शोर मचा, जब NHRC ने इंटरवीन किया, जब सुप्रीम कोर्ट ने जायजा लिया, और जो इस तमाम जो मशीनरी एक तरह से भारत सरकार की ओर से नहीं, भारत सरकार ने दिल्ली की ओर से, और फिर CBI भी उसमें आ गई, और फिर SIT का गठन हुआ, इन तमाम चीजों के चलते मुकदमे दर्ज हुए, लोग गिरफ्तार हुए, कुछ कन्विक्ट हुए। तो ये आज कहना कि भाई लोग कन्विक्ट हुए और ये मोदी सरकार की उपलब्धि है, ये तो एक मजाक है। लेकिन सवाल उठता है कि मोदी यदि प्रधानमंत्री बने तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए? मुझे लगता है कि मेन जो है आक्रमण उनका लोगों के हकों पे होगा, मजदूर किसान के हक पे, आदिवासियों के हकों पे, उनकी जमीनें थी, क्योंकि मेन एजेंडा जो जिनके जो उसके जो बैकर्स हैं उनके पीछे जो लोग हैं वो चाहते हैं कि तेज बहुत तेजी से जो पिछले 3-4 साल में जो है ये लोग नहीं कर पाए, लैंड क्लियरेंस, एनवायरमेंटल क्लियरेंस, तेजी से जो है इस प्रगति की ओर, सो कॉल्ड प्रगति की ओर पे ये लोग अपने उद्योग को चलाए। और इसके चलते अगर गुजरात में या किसी और शहर में या किसी कहीं किसी और सूबे में या किसी और इलाके में अगर एक तरह से लोगों एक तरह से जद्दोजहद अगर छिड़े, अगर यूनियन मूवमेंट उठे, अगर किसान कहे कि भाई हम अपना जमीन नहीं देंगे, ऐसे परिस्थिति में आप उम्मीद कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं आज जो है मोदी के जो पक्ष में जो लोग बोलते कि नहीं मोदी अलग है, RSS अलग है, BSP अलग। देखिए आप गुजरात में किस तरह से BSP को नजरअंदाज कर दिया, तो एक तरह से सच भी है। गुजरात में जब आप खुद उस पॉलिसी को चला रहे तो BSP की क्या जरूरत है? लेकिन जब वक्त आएगा ऐसे ताकतों को इस्तेमाल करने के लिए तो उनको इस्तेमाल किया जाएगा, कहीं स्ट्राइक तोड़ने के लिए, कहीं जमीन हड़पने के लिए, कहीं जंगल कटवाने के लिए। आपको एक माहौल तैयार करना पड़ेगा, एक बड़ा एक दंगा फसाद का, झगड़े का, जहां पे लोगों के एक तरह से लोगों का फोकस उस इशू पे ना रहे। और खतरा तो ये है क्योंकि 2002 जितना ये बीजेपी वाले कहते हैं कि इस बात को भूल जाओ, हम नहीं भूल सकते। मनोज बेटा ना 2002 को भूला है, 1984 को नहीं भूला है। सुधा ने 47-48 की बात की। हम क्यों इतिहास में जाते हैं? हम इसलिए इतिहास में जाते हैं क्योंकि जो तमाम जो चीजें थी सिस्टम में जिसकी वजह से इतना कत्लेआम हुआ, उस तमाम सारी चीजें आज भी हिंदुस्तान के स्टेट में मौजूद है। मसलन पुलिस आज अगर पुलिस की ड्यूटी होती है आम आदमी की रक्षा करना, अगर पुलिस उस ड्यूटी से हट जाए तो क्या पुलिस की कोई जवाबदेही है हिंदुस्तान? बिल्कुल नहीं। ऐसा कानून जैसे शुद्धा ने इंटरनेशनल ज्यूरिसप्रूडेंस की बात की,
इंटरनेशनल लॉ में एक कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी या सुपीरियर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है कि अगर आप एक मिलिट्री कमांडर हैं या अगर आप किसी देश के राष्ट्रपति हैं और आपके नीचे जो तमाम जो फौज है, पुलिस फोर्स है, वो ऐसे जेनोसाइडल या वॉर क्राइम्स में इन्वॉल्व है और आपको गिल्ट होने की तो आपको नॉलेज था और आप उसको रोक सकते हो और आपने रोका नहीं, तो आप जिम्मेदार हैं। भले ही आपने गोली नहीं चलाई, भले ही आपने छुरी नहीं उठाया, भले ही आपने डायरेक्टली आदेश ना दिया हो, इसलिए 27 फरवरी को मीटिंग हुआ या ना हुआ, उसमें भट्ट साहब थे कि नहीं थे, मोदी साहब ने बयान दिया या नहीं दिया, कहीं ना कहीं ये सवाल जो है अपनी जगह में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मोदी को 27 को नहीं तो 28 को इल्म था कि शहर अहमदाबाद में कत्लेआम हो रहे हैं। मोदी को इल्म था मार्च 1 को कि कत्लेआम हुए। आपने क्यों नहीं इन चीजों को रोकने के लिए कोई उंगली उठाई? आप अपने कुछ बयान को पेश करें, वीडियो कैसे भेजे हमको, जहां पर आपने कड़े लफ्जों में इसकी निंदा की, ताकि हमको ये पता तो चले कि आपने जिन्होंने एहसान जाफरी का खून किया, आपने वही तीखे लफ्जों का इस्तेमाल किया जिस तरह से आपने गोधरा के जो लोग गिल्टी थे उनके लिए आपने इस्तेमाल किया। तो ये कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर 1984 के दंगे फसाद के बाद, वैसे दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस तो चली गई 1989 में चली गई, वीपी सिंह आए, ऐसी सरकार थी जिसमें बीजेपी भी थे, लेफ्ट भी था, लेकिन 84 के दंगों के पीड़ितों को कोई न्याय नहीं मिला। एक तरह से एक षड्यंत्र है कि अगर हम पुलिस के खिलाफ एक्शन लें, अगर हम बड़े सियासतदानों के खिलाफ एक्शन लें, तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में ये जो चीज है जिसका इस्तेमाल हम अपने आप कर सकते हैं, कहीं ये इस्तेमाल करने की ये चीज ना रहे हमारे लिए। मेरा मानना है कि 84 के बाद अगर हिंदुस्तान की कानून के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती दिल्ली के पुलिस के खिलाफ, तो गुजरात में कोई ऐसा पुलिसकर्मी नहीं होता जो गुलबर्ग सोसाइटी और नरोड़ा पाटिया में कत्लेआम हो गए, क्योंकि उसको मालूम होता कि भाई मेरी देख रेख में अगर ये हो रहा है तो कल मुझे भी कटघरे में खड़ा किया जाएगा, मुझे भी जेल भेजा जाएगा। लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा होता नहीं, और जब तक ऐसा नहीं होता है, जब तक हिंदुस्तान के कानून में ऐसे प्रावधान न लाए जहां पे सियासतदान, पुलिस ऑफिसर, ब्यूरोक्रेट, सारे जो लोग हैं जो चेन ऑफ कमांड में आते हैं, जिनका फर्ज बनता है कि लोगों की हिफाजत करें, जब तक उन पे कानूनी कार्रवाई का खतरा जो है सवाल ना हो, तब तक मुझे लगता है ये कत्लेआम की जो सियासत है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, जब हमारे जो हुकूमतें हैं जब वो चाहते हैं तो इस तलवार को इस्तेमाल किया जाएगा और लोग मरेंगे और उसका इसका उपाय नहीं निकलेगा। मुझे लगता है कि जो बात मनोज और शुभा ने रखी कि इस चीज को हम सिर्फ और सिर्फ गुजरात के हवाले से ना देखें, इसका इसके जो पॉलिटिकल कनेक्शन है, इसका जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, इसका जो इंस्टीट्यूशनल कनेक्शन है, इस चीज को समझें। और सबसे बड़ी बात कि इसके पीछे जो आज के मौजूदा हालात में जो आर्थिक जो ताकतें हैं इनका रोल समझना मोदी के हवाले से बहुत बहुत जरूरी है। थैंक यू।